चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर मैं आशीष सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्त। चलिए आज यहां पर लेकर के चलते हैं सीटेट की महत्वपूर्ण यहां पे प्रैक्टिस सेट संख्या 3 की श्रृंखला को, और यहां प्रैक्टिस सेट संख्या 3 की श्रृंखला के साथ आज हम बात करेंगे और यहां पे सीटेट के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। चलिए दोस्त एक बार आप कंफर्म कर देंगे कि क्या आवाज आ रही है और आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, एक बार कंफर्म कर देंगे तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। चलिए दोस्त कंफर्म करिएगा कि क्या आपको आवाज सही सुनाई दे रही है, एक बार कंफर्म कर देंगे तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। चलिए 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 मैक्सिमम ने लिखा, चलिए बिल्कुल हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए दोस्त प्रश्न नंबर 1 लेकर के चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि इन ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रभावी अधिगम होगा। कह रहा है संबंधित मामलों समस्याओं पर वीडियो फिल्म दिखाना चाहिए, कह रहा है कि संबंधित मामलों समस्याओं पर विशिष्ट भाषण आयोजित करना चाहिए, और कह रहा है संबंधित मामलों पर क्विज प्रतियोगिता प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता का संचालन करना चाहिए, और ऑप्शन नंबर डी का विद्यार्थियों से समूह परियोजना का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना चाहिए। तो दोस्त राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पर देखिएगा कह रहा कि विद्यार्थियों को समूह परियोजना का भार अपने ऊपर, यहाँ भार अपने ऊपर लेने का मतलब बोझ नहीं होता है, मतलब परियोजना मतलब ऐसा कार्य लेना चाहिए जो स्वयं बच्चे जाकर के अपने घर करें, ऐसा स्वयं के योग्य बनाने को कह रहा है कि परियोजना का भार अपने ऊपर मतलब लेकर के समस्या का स्वयं समाधान। तो जहां पर प्रत्यक्ष अवलोकन जुड़ा होगा वह आंसर सही होगा, इसलिए प्रश्न नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 2 के क्रम पर आएंगे, कह रहा है किसी छात्रा ने अपनी अहमदाबाद से नागरकोइल यात्रा के बारे में अपनी डायरी में दी गई जानकारी को नोट की। दोस्तों ये एनसीईआरटी से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक कह रहा है कि अहमदाबाद से नागरकोइल की दूरी 2348 किलोमीटर है, तो ये बात स्टेटमेंट सही है। इस दूरी पर रेलगाड़ी 40 घंटे 55 मिनट में तय करती है, तो ये आपका गलत इंफॉर्मेशन है। सी कह रहा है इस दूरी से रेलगाड़ी 28 घंटे 55 मिनट में तय करती है, राइट आंसर। कह रहा है रेलगाड़ी की औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी से बनाया गया प्रश्न है कि आप यहाँ गणित का प्रश्न है कि 2380 किलोमीटर की यात्रा 80 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से अगर कोई गाड़ी तय करती है तो उसे कितना समय लगेगा, तो आप निकाल लेंगे तो ये 28 घंटे 55 मिनट लगेगा, इसलिए यहाँ सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अतः सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जहां पर ए भी सही है, सी भी सही है और ऑप्शन नंबर डी भी सही है। प्रश्न नंबर 3 के क्रम पे ध्यान देंगे, कह रहा नीचे दी गई कौन सी जानकारी एक आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त की जा सकती है। कह रहा टिकट बुक करने का दिन, समय, यात्रा शुरू करने की तारीख का समय, तो ये तो होता ही है। दूसरा कह रहा डिब्बे का नंबर, बर्थ का नंबर और किराया, तो साहब ये भी होता है। तरह यात्रा करने वाले का नाम, पहले ही ये गलत होगा, हम आगे देखेंगे ही नहीं, क्योंकि टिकट पर यात्रा करने वाले का नाम नहीं होता है, बल्कि नाम जो टीटी के पास आरक्षण चार्ट होता है वहां पर होता है, इसलिए सी नहीं होगा। चलिए डी देखते हैं, ट्रेन का नंबर, नाम और स्टेशन जहां से ट्रेन पकड़नी है और अंतिम स्टेशन का नाम, दोस्तों ये भी सही है। तरह अंतिम स्टेशन पर पहुंचने की तारीख और समय, ये भी होता है, तो इसलिए हम देखेंगे कि जिस ऑप्शन में दिया होगा ए बी डी ई, ये नहीं होगा, ए बी सी डी ये भी नहीं होगा, ए बी डी ई सही आंसर है, डी भी नहीं होगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 4 के क्रम पे आएंगे, कह रहा कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती है। एक अरब बच्चे कम गलतियां करें, बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, सी कर बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले, डी कर बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें। तो देखिएगा बच्चे बहुत से प्रश्न पूछे,
तो पर्यावरण की विषय वस्तु बालकों में जिज्ञासा और प्रश्न पूछने को प्रेरित करने वाली होनी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, और वो पूछा है कि समर्थन नहीं करती है, ये स्टेटमेंट सही है तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि उसको नेगेटिव चाहिए। बच्चों को खोज करने के लिए वही बात है, ये भी स्टेटमेंट एनसीए 2005 के अनुसार सही, ये भी नहीं होगा। तो बच्चों को करके सीखना, ये भी बात सही है, ये भी नहीं होगा। बच्चे कम गलतियां करें, साहब जब बच्चे गलती प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, जब बच्चे करेंगे तो गलतियां करेंगे और निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो यहां से उनके जो गलतियों में सुधार होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 5 के क्रम पर आएंगे। प्रश्न नंबर 5 का है कि एक शिक्षिका ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए पौधे अंतर वस्तु का चयन किया। उसने सिखाने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान किए। समूहों में पत्ती का संग्रह कराया, पत्तियों के आकार स्वरूप अन्य विशेषताओं पर चर्चा कराना, अपना वनस्पतिक संग्रहालय बनाना। इस प्रकार की गतिविधियों से शिक्षिका को किस बात के सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, नेगेटिव चाहिए। करें जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव उनके नाम याद करने की बच्चों को पहल देना चाहिए। बी करें बच्चों के द्वारा कार्य का विस्तार किया जाना चाहिए। सी करें बच्चों का निरंतर गतिविधियों में लगे रहना, और डी करें बच्चों की परस्पर क्रिया का अवलोकन। तो दोस्त ध्यान दीजिएगा, याद करना आंसर 2005 के अनुसार निगेटिव स्टेटमेंट होता है, अतः ये नहीं होगा और इसको निगेटिव चाहिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्त प्रश्न नंबर 6 के क्रम पर आते हैं। प्रश्न नंबर 6 है कि कविताएं और कहानियां पर्यावरण अध्ययन की अंतर्वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली होती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कविता और कहानियां बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण करती है। बी करा संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान करती है। सी करा विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं की प्रभावशाली ढंग से व्याख्या करती है, और सी कह रहा है कि सृजनात्मक एवं सौंदर्य बोध का पोषण करते हैं। चलिए दोस्त देखते हैं, बच्चों के परिवेश का समृद्ध मतलब उनके पास पड़ोस परिवेश से जोड़ना, दैट इज राइट। संदर्भित अधिगम बालक को अधिक से अधिक उसके परिवेश की जानकारी देना, तो यह भी बात सही है। अमूर्त अवधारणाओं, तो मैंने आपको बताया था कठिन शब्दावली परिभाषा अमूर्त अवधारणा आ जाए वो स्टेटमेंट गलत होता है। और करा सृजनात्मकता सौंदर्य बोध, ये भी सकारात्मक है। आपको उत्तर यहाँ पर देना है कि कौन सा सही है। सही आंसर ए बी और डी, देखते हैं ए बी और डी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 7 के क्रम पर ध्यान देंगे। प्रश्न नंबर 7 है कि कह रहा है कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में, एक सेकेंड नहीं दे रहा। प्रश्न कह रहा है कि कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन के प्रयोग को सर्वश्रेष्ठ पाते हैं। एक कह रहा संदर्भ पुस्तकें, पोस्टर, समाचार पत्र और पाठ्य पुस्तक। तो कह रहा कि देखिए ईंधन के का संरक्षण पढ़ाना है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए सी कैसे होगा, समाचार पत्र बालक के पास पड़ोस परिवेश का ही वर्णन होता है, सब लोकल उसमें सूचना जानकारियां छपी होती हैं। मतलब बालक के पास पड़ोस का सटीक उत्तर यहाँ पे जानकारी मिलती है समाचार पत्र के माध्यम से। अतः समाचार पत्र के माध्यम से सिखाया जाएगा तो दैट इज ज्यादा प्रभावी होगा। आइए दोस्त प्रश्न नंबर 8 पर बात करते हैं। कक्षा 4 की शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्य पत्रक अवलोकन रिपोर्ट सत्र में एकत्रित की गई जानकारी को एक फोल्डर में डाल दें, और इन फोल्डर को कहा जाता है, इन फोल्डर को पोर्टफोलियो कहा जाता है। वह फोल्डर जहां वार्षिक अर्धवार्षिक बालक से संबंधित समस्त जानकारियां एक फाइल बना करके एक फोल्डर बना करके इकट्ठा की जाती है, उसी को हम कहते हैं पोर्टफोलियो। आएंगे दोस्त प्रश्न नंबर 9 के क्रम पे, और प्रश्न नंबर 9 ध्यान देंगे। कह रहा कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित होती है, तो दोस्त इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कि शिक्षण की खेल शिक्षण विधि के सिद्धांत पर यहाँ पे शिक्षण की खेल विधि आधारित होती है। मतलब खेल खेल में बालक को सिखा दिया जाना चाहिए, यही बात कह रहा है कि शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। चलिए दोस्त प्रश्न नंबर 10 के क्रम पर आते हैं, और प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि नीचे दिए गए कर्तव्य उत्तरदायित्वों का अध्ययन करिए।
ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अन्य लोगों का समान उत्तरदायित्व तो का अध्ययन करना है। चलिए ठीक है साहब, ए कह रहा कि अन्य लोगों का सामान खाने में मदद करना, बी कर पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे चले, करा जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना, फिर करा साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना, उसके लिए खाने पीने का इंतजाम करना, और ई करा रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना। करा माउंटेनियन के ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी का चुनाव करिए। तो चलिए हम साहब बता देते हैं, अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना सही बात है, पूरे ग्रुप के आगे चलना नहीं, पूरे ग्रुप के पीछे चलता है, जो माउंटेन पर चढ़ने वाले लोग होते हैं उनका जो सहायक होता है जो वो हमेशा ग्रुप के पीछे चलता है, इसे गलत आंसर दिया है। तरह जो जो चल ना पाए उसके रुकने के लिए कहना, उसे रुकने के लिए कहना, तो ये यहाँ ये सही होगा। करा सभी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना, उसके खाने पीने का इंतजाम करना, ये भी सही है, और करा रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह को ढूंढना। तो दोस्त यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यहाँ पर देखिए, चल ना पाए उसको रुकने के लिए, ये थोड़ा सा स्टेटमेंट देखिए, ये बात थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना तो नहीं, बल्कि उसकी सहायता करना, तो जो चल ना पाए उसकी सहायता करना, तो सही आंसर हो जाएगा ए डी ई, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए डी ई चलेगा दोस्त। तो ये आज यहाँ पे महत्वपूर्ण रूप से ली गई सीटेट के प्रैक्टिस सेट संख्या 10 तक, और यहाँ प्रैक्टिस सेट अगले प्रैक्टिस सेट संख्या 4 में हम और भी अधिक प्रश्नों की श्रृंखला के साथ पुनः मुलाकात करते हैं, और अगर आपके कुछ कमेंट हो तो आप कमेंट कर देंगे, और ये जरूर आप लिखेंगे कि आपको प्रैक्टिस कैसा लगा, आपको प्रैक्टिस कैसा लगा आप जरूर लिखेंगे, कमेंट करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। चलिए दोस्त, चलिए बिल्कुल, थैंक यू। चलिए दोस्त, तो फिर प्रैक्टिस सेट संख्या 4 को लेकर के कल पुनः 9 बजे मुलाकात करते सुबह, थैंक यू।